अनु कहूं भाई साहब तेल कनस्तर कितने दे हो अरे कहा क्या तेरे को कैसे क्या एक्सप्लेन मीठा सर अच्छा मुझे कह रहा हो क्या गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज का ऐसी सडन प्लान एक बन गया। सडन तो क्या मतलब, हम सोच रहे थे जाएंगे बट लेकिन ऐसी हाँ हो गई है। और हम जा रहे हैं अरावली, तो अभी हम चलते हैं, फटाफट दिखाते हैं आप लोगों को। पहले भी मैं जाऊंगा सबको पिक करने, तनिष्क, ऋषभ और साहिल आ रहा है। बट ये प्रॉब्लम एक हो गई कि तनिष्क फ़ोन नहीं उठा रहा। हम सब तो रेडी हो गए, सुबह के बज रहे 8:15। वैसे मैं 8 बजे तक निकल जाना था बट कोई नहीं, अब जाके उसका दरवाज़ा पीटते हैं, आ गए तो ठीक, नहीं तो हम 3 दिन रहेंगे। बट यार आना चाहिए ना, कल तो उसने आप बोला था, मना कर देता। मना भी क्या ही करता भाई, क्या ही कर लेता घर पे आज संडे के दिन, पड़ा पड़ा चल ले घूम के आएंगे। और कल क्या भी रहता यार, सुबह सुबह जब मिला था मेरे को कि भाई यार कहीं घूमते नहीं है, अब हम कहीं जाते नहीं है, ऑफिस जॉब वॉब क्या लग गई। और देखो इसके काम देखो, अभी जाके उठाते हैं इसे। गाड़ी स्टार्ट कर लिया मैंने, आज मैंने घर से नहीं ब्लॉग किया, गाड़ी में बैठ के शुरू कर लिया। मैं शायद से संडे के दिन इतने सालों बाद सुबह सुबह उठ के ना आया हूँ 8 बजे। उठ तो मैं 7:30 ही गया था, ऋषभ का फोन आ गया था, ग्रीन लाइट, लेट्स गो। उठा दिया काकू को, अब जा रहे हैं कन्ना को पिक करने, इतने रेडी हो गए वो। ठंड की ना भाई, ठंड की ना यार, ऐसे ही है, उतनी ठंड नहीं लग रही मुझे, बस 60 डिग्री दिखा रहा है भाई इसमें तो। हाँ उतनी ठंड थोड़ी लग रही है, हीटर क्यों ऑन करा भाई। कन्ना आ गया लेबर को लेके। कन्ना साहब देखियो, हमने अंकल खन्ना को भी पिक कर लिया। अब जाते हैं खन्ना भाई गेमर, काकू को उठाते हैं। ये कहाँ से लगता है गेमर मुझे ये बताओ। कि हमने सोचा है तरीश जो आ रहा है उसके बाद ऐसे छोटा सा प्रैंक करने का कि भाई हम तो तेरे को ऐसे बुला रहे थे कि हम अरावली जा रहे, बट हम जा रहे हैं मनाली। नेपाली बनू झूठ कोनी, सॉरी भाई वो गढ़वाली है, गढ़वाली है, सॉरी साहब। भाई सही में तरीश यार मान क्यों नहीं रहे तू भाई, भरोसा रख। तभी देखते हैं क्या कहता है भाई काकू, उधर के भागने लगेगा। बैग तो पड़ा, ये एक रखा है ना, चार जोड़ी कपड़े लाए उसमें। मैं उसको बोला मैं कहीं जैकेट भी ले, बैग को टेढ़ा मत कर, लैपटॉप है इसमें नहीं, बैग तो लैपटॉप वाला है, लैपटॉप वाला है। एमआई नहीं लिखा वो, अबे एमआई है नहीं, चुप हो जाना। अरे तू पानी वानी लाए क्या? यार तुम तो बड़े अच्छे आदमी, अंगूर पट्टी लेके आया ले। यार मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल क्या बोलते हैं करनाल हाईवे पे भरवा लूं। काकू तू जैकेट नहीं लाया, एक बार मैप खोलियो काकू, मैप लगाइयो काकू, इधर इधर वाला हाईवे से इधर चलेंगे ना, दो लोग होते हुए बिल्कुल सीधा रोहिणी ब्लॉक कर देंगे, रोहिणी होते हुए सो के चाइल्ड लॉक लगा, मूर्थल मूर्थल पे रुके। मैप लगा ना, मूर्थल क्यों बोला है, मैप लगा दो सही। अरावली है कहाँ भाई? अरे अरावली गुड़गांव में है, वहीं जा रहे ना। फिर
शिमला डाली मैप में कितने घंटे दिखा रहे हैं? दिखा रहा हूँ कहाँ का शिमला हमने वैसे गाइस काकू को बोला था कि हम अरावली तक जा रहे हैं पर लेकिन वैसे रियल प्लान तो शिमला का था आप लोगों को तो पता ही है बैग्स वगैरह सारे हमारी डिग्गी में रखे हैं मेरे बैग का रखा है ठीक है चार जोड़ी कपड़े जैकेट ला रखा हूँ वैसे मैं एक्स्ट्रा काकू मुझे पता था कुछ भी नहीं लाया अरे कोई नहीं मेरे भाई 9 घंटे दिखा रहे हैं कच्चे खरीद लेंगे ना वहाँ पे आई 9 घंटे दिखा रहे हैं सॉरी 7 घंटे 40 मिनट बस कोई टेंशन नहीं है क्या हो गया मैं देख रहा हूँ कि पहला मौका मिलते कहाँ से भागना मूर्तल से भागना पड़ेगा क्योंकि हम वहीं रुकेंगे अमरीक सुखदेव कर सवार है एक बार कैमरा देख कहाँ दिला सारे काकू आराम से खिला रहे शांत कर दिया क्यों नहीं जाना क्या तुझे भाई एक दिन करना ही था काकू देख तेरी कसम भाई एक दिन तुझे मौत का शिकार बनाना ही था और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने तेरे को बिना बताए किया मैंने बहुत पहले बात तेरे कान में डाल दी थी कि भाई उठा चक लिया मैं उसी की चक ले लेगी क्या चक के लेगी उसी की और दिक्कत तो तू बता दे बेशक तेरे को छोड़ना हो तो वापस हमें नहीं पता भाई अब तो भाई गाड़ी मूर्तल तक चल ले फिर के तो शाम तक तो रुक जाएगा अगर वो नहीं आया तो क्या करेंगे मैंने भाई क्या करेंगे क्या लेकर चलेंगे उसको एसओडीस के बिना थोड़े जाएंगे तो वैसे फिर मैंने घर से निकला मैंने कहा नहीं नहीं फिर मैंने सोचा मैं यार अब क्या करें ऋषभ रेडी चली लेंगे बहुत टाइम से प्लान कर अगर काकू नहीं आया पर मैंने कहा नहीं उठाऊं तो सही मैं तेरे घर की 2-4 सीढ़ी चढ़ गया ऋषभ नीचे कर वो सुन पागल चल चलो टाइम करे नहीं भाई वो भी भाई होंगे चिराग ने बोला ना आंटी सबसे कोई तनिष्क आंटी जी बोला था भाई मुझे लगा आंटी के पैरों की आवाज आ रही कुछ उधर खुशबू हो रही थी अबे नीचे वो चल रही थी क्या नाम है आओ गाइस टाइम लैप्स के एंजॉय करो तुम हाँ भाई कैसी लग रही है देखो सारे बाइकर्स मैंने कहा था ना ये रहा वो निंजा वाला देख भाई देख I told you niggas come on guys संदीप खाली मिलेगा 4 लाख कर दो वाओ यार देखो तो सही दिख जाएगा सरसों के खेत में सरसों का वो ब्यूटीफुल सीन
कौन सा है? पूछ रहा है ये मैं फार्मा थोड़ी हूँ यार फार्मा मैं फार्मेसी थोड़ी करता हूँ भाई अंदर नीचे खाई थी अभी तो ऊपर लग रहा है ओपन पिट था क्या ये हमारा पहाड़ों का पहला ट्रिप है वीआर इन मनाली है ना गाइस उत्तराखंड जा रहे हैं झूठ क्या बोलना पहले सारे ब्लॉग में उत्तराखंड जा रहे हैं नहीं भाई से पहले पहले मनाली करता बहजी झूठ कोनी मैं कसम झूठ कोनी मैं बाहर निकल जाऊं हां हां भाई निकल जाना जूते तार और सीट पे से निकल ले बाहर अरे ऐसे कैसे आऊंगा ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर निकल जा ये साला ये टोपी लगाने के बाद बाल ना टूट गया क्या कर रहा है तू ये कितना ही समझा लो अनपढ़ को चुप रहा है चुप रहा है चुप रहा है ये बलेरो में बैठने वाले घूम क्यों रहा है ये थार वाला भाई ऐसे आदमी तो सारी दुनिया घूरेगी यार है वही है वही अरे भाई मेरे को आज बुलाने चाहिए अपने वाले है ना ऋषभ हां उसी है नेक्स्ट टाइम उसी तो कमार को कुछ भी कह लो चले भाई है तेरे पर से मैं कह रहा हूँ कोई अमार मजा आ रहा है भाई सही लग रही जगह काफी अच्छी लग रही है इधर बहुत सेक्सी कुछ के अंदर मोटिवेशन क्या कह रहा है तेरे में है हेलो मैं तेरे को कहा क्या है गोली करूं चारू 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 अरे अभी ये दाग लगा हुआ है अरे कोई बात नहीं इसको अंदर कर ले अरे कौन नहीं दिख रहा यार ये नानी को कौन लेके आया यार बताओ सीधा कर नीचे कर थोड़ा चलो आ रही है सीधा हां 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 चल चल जिस कैफे पे हम लोग अभी आ रखे हैं ये है हैप्पी पाई कैफे तो बढ़िया व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ पे खाना भी बहुत बढ़िया अभी हमने ऑर्डर भी कर रखा है मैं तो यहाँ चौथी पांचवी बार आया हूँ ये लोग पहली बार आए अच्छा लगा इनको भी और जैसे वीकेंड्स पे तो बहुत सही रहता है यहाँ पे फैमिली वगैरह आती रहती है मतलब अच्छा फैमिली टाइप क्राउड है आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो पिकनिक मना रहे हैं फिर भी खेल रहे हैं लोग सामने खेत हैं पीछे थोड़े से पहाड़ हैं ये एक छोटा सा डॉगी भी है छोटा अंकल अच्छा लग रहा है अंकल ये घर पे भी ऐसे ही करता है इसको लेकर मत आना आगे से मेरे को और गाना है मेरे को जांग लगती है भाई तो टाइगर शॉप के साथ फोटो खिंचाने क्या हाँ खींचा थोड़ी बच्ची हो क्या कैसा है ना आ जाओ ये पहली बार याद है पहली बार मैंने बोलिया ना मेरा भी किस दे यार मटन अरे ये मटन कहाँ जा रहा है सेम टू सेम है यार थोड़ी बहुत फोटोज खिंचाने के लिए रुके थे हम लोग खिंचा तो लिया काफी सारी के चाले हां देख ले शूटिंग चल रहा है का कहियो भैया का कर बा आए बैगन एक फिल्म वाह घूम लिया भाई सही मजे करके अब जा रहे हैं अपने घर को
क्या लगा? अरे वो पीछे शीशे में लगा, बायोमेट्रिक कर रहा था। अरे वो पीछे शीशे का वो आ रहा है, दबा के दे। फोटो वोटो बहुत की गाली। खुल क्यों नहीं रहा यहाँ से? अब पीते हैं भाई जैन शिकंजी। और तुम्हें एक नंबर की जगह लेकर चलूं। आई नो अ प्लेस। वेयर? और नीचे 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 और ले और ले बस। यहाँ पास में खाटू श्याम जी का मंदिर है, सोचा वहाँ दर्शन भी कर लें, तो अब उधर भी जा रहे हैं। चलो 2 3 फोन दे देना, गिर जाएगा। भागो नीचे, बहुत अच्छा। हाँ भाई, वापस आते हुए करेंगे, ऐसे चढ़ाई पे तो मैं भाग ही नहीं पाऊंगा। अरे कोशिश तो कर ले। मेरी तो वैसी बोलना भी मंदिर जान तो बहाना था। ऋषभ को पता चल गया था यहाँ हलवा बट रहा है। मेरे को खसाई नहीं दिलाया मेरे को, अच्छा था हलवा यार। क्या पीना चाहते हैं जैन चिकन जी? 5 मिनट से 5 मिनट से क्या आप दोनों पीना चाहते हैं जैन चिकन जी? यस। क्या आप भी? पिए भाई, बढ़िया होते पियो। हेलो। हेलो मैडम। सारे वापस, अब घर भी ड्रॉप कर दिया। साहिल की गाड़ी तो मेरे घर के नीचे खड़ी है। निकाल ले इसने। जा रहा हूँ। आ गए वापस अब घर पे, व्लॉग को करते हैं। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा जाके आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, गुड नाइट।